मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर भी हमने देख लिया था, देखा था क्या होता है? नहीं, एक एक करके जिसने बताने हाथ खड़ा करे, ऐसे नहीं, खड़े हो जाओ। अब बताओ, तीनों चीजें बता दो। तो बॉर्डर और मार्जिन भी तो दोनों बाहर हो गए ना बॉक्स से? नहीं, और पैडिंग बॉर्डर के अंदर या बॉक्स के अंदर? बस 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 बस, इधर आए जरा, उठ के आगे आ जाए, आगे एक सीट खाली है, जल्दी करें। ब्लू के से साथ बैठे हैं ना, अपना चेहरा छुपा के आगे आ जाओ। इतनी सी तो क्लास है, सब नजर आता है भाई यहाँ से। आ जाओ आगे, जल्दी करो, सीट खाली है। अच्छा, पैडिंग हमने पढ़ा था, और पैडिंग के लिए हमने इस बॉक्स, इन बॉक्सेस को देखा था ट्राई करके, ठीक है? कि अगर आप डिव बनाते हो, तीन डिव आप बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप उनको मार्जिन और पैडिंग दे दोगे तो स्पेसिंग आ जाएगी उनके दरमियान में। बॉर्डर की विथ ये भी हमने पढ़ ली थी, बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या हैं, और पैडिंग क्या है ये भी पढ़ लिया, मार्जिन भी पढ़ लिया हमने, सेंटर करना है सेंटर भी पढ़ लिया हमने। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट यहाँ तक हुआ था, राइट? विजिबिलिटी हमने हाइड कर दी थी, और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, ये नहीं पढ़ा था, राइट? इसको मैं स्किप करूँगा, ठीक है? अब जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हम वो देखेंगे जल्दी जल्दी, फिर जब हम कोई असाइनमेंट बना रहे होंगे ना, उसके अंदर भी हम प्रॉपर्टीज़ को देखा करेंगे, सही है? बॉर्डर का शेडो है, इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी हैं इस बुक के अंदर भी, सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास नहीं है, तो पूरी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास। वो प्रॉपर्टीज अब कुछ आपको खुद को भी देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? असाइनमेंट सबने सबमिट करा दिए जी, जिस करे गए थे? बंद कर दूं? बंद हो जाएगा वैसे, राइट? आज, लेकिन अब भी अगर किसी ने सबमिट नहीं कराया तो फिर वो सीरियस ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको और मौका दिया जाए। आई समझ में? ये नहीं आई, वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और वो दोबारा कहीं रिक्वेस्ट भी ना करे आके। ये शॉर्टकट की देखी है आप लोगों ने? ये देखो, डॉट करते हो, आगे क्लास का नाम लो, टैब दबाओ, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि बॉक्स का शेडो। अच्छा, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू ऐड अ ड्रॉप शेडो अराउंड अ बॉक्स, इट वर्क्स लाइक अ टेक्स्ट शेडो, ठीक है? टेक्स्ट शेडो हमने पढ़ा था, टेक्स्ट के नीचे शेडो वगैरह था, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है?
इट मस्ट यूज एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज एज वेल एज अ कलर, ठीक है, ये इसकी मस्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, ये और ये। इसके अलावा इसके अंदर और भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है, कितनी होंगी टोटल हमारे पास, 5, ठीक है, लेकिन आप कम कर सकते हो, लेकिन मस्ट क्या है, 2 और उसके बाद एक कलर, ठीक है। हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि इन्होंने ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, अगर सबको नज़र आ रहा है तो देखें, ये जो प्रॉपर्टी हम इस तरह दे सकते हैं, राइट, हमने कहा बॉक्स डैश शेडो और ये हमने दे दिया, लेकिन ये दोबारा क्यों रिपीट हुई हुई चीज़ है, किसी को आइडिया है इसका, नहीं है। अब देखो, इसको मैं सर्च करता हूँ डैश मॉस बॉक्स, ठीक है, मॉस या सिर्फ आप डैश सर्च कर लो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम है ना, ये हमने बॉक्स शेडो नीचे दे दी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम डैश मॉस लगाएं, तो हम इसको सर्च करते हैं, कोई चीज़ समझ ना आए ना, आपके पास गूगल होता है, ठीक है, गूगल को समझ ना आए तो उसको आपको समझाना है कि कैसे काम करना है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें लिखी ना, इसको कहते हैं क्रॉस ब्राउजर स्क्रिप्टिंग, क्या बोलते हैं, अब इसका मतलब भी बता दो। हाँ बताओ, मैंने बताया था, बताएं क्या होता है। जी, एक से ज़्यादा ब्राउज़र्स को हैंडल करना है ना, आप हमारी मर्ज़ी हम गूगल क्रोम यूज़ करें, है हमारी मर्ज़ी हम फायरफॉक्स यूज़ करें, ओपेरा यूज़ करें, या फिर सफारी में, मैक में तो सफारी यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर, और हमको सारे ब्राउज़र्स के अंदर सब कुछ सेट चलाना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम बोलें कि ऊपर वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिख दें कि ये गूगल क्रोम में ही चलेगी, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। हम क्लाइंट को, जो हमारा यूज़र है, हम तो उसको नहीं रोक सकते, वो किसी भी ब्राउज़र में ओपन करें। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, जो डैश मॉस लगाते हो ना प्रॉपर्टी के आगे, उसका मतलब होता है कि आप ये फायरफॉक्स ब्राउज़र के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये 2-3 मेन ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, मोज़िला हो गया और सफारी हो गया और गूगल क्रोम हो गया। गूगल क्रोम में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ चल जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको ये दो हैं, इनको देखेंगे ना। ओपेरा कौन यूज़ करता है इधर, मतलब जो मेन तीन है उनको देखेंगे, बाकी वो अगर ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, हम सबको भी हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 या 4 को फोकस करते हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि मॉस प्रीफिक्स इज नॉट नीडेड फॉर, नजर नहीं आ स्क्रीन्स आ गई, नहीं आई आप लोग के पास, आ गई, अच्छा। दूसरा है हमारे पास वेबकिट, वेबकिट जो है ना वो हम यूज करते हैं उसके लिए, जो आपकी सफारी है ना उसके लिए यूज करते हैं।
कभी भी आप काम कर रहे हो और प्रॉपर्टीज नहीं चल रही हो ना वो, तो आप डैश मॉज और डैश वेबकिट लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने भी लगाए हुए। अब ये बुक पुरानी है, ठीक है? तो ऐसा है कि उस वक्त अगर ये प्रॉपर्टी सपोर्टेड नहीं थी तो हम इस तरह लगा देते थे, ठीक है? अब अगर ये सपोर्टेड हो गई है तो नो इश्यूज, ठीक है? अगर उसके बगैर भी चल रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बुक पुरानी है तो इसलिए उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है? कोई अगर इसके बगैर चला ले और बोले कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो ठीक है, क्योंकि अब अगर उसने ब्राउज़र ने सपोर्ट कर लिया है तो नो इश्यूज, ठीक है? लेकिन हम अब इसको बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से ये है। अच्छा, p.1 को कैसे लगाएंगे हम अपने पास? p.1 ऐसे ही दिया हुआ है ना इन्होंने, p.1, और स्टाइल्स में आ जाएंगे, इसको दे देंगे। ये चलेगा? कोड को देख के क्या लग रहा है, चलेगा? ये भी नहीं चलेगा, राइट? अब चलेगा। ये हमने दी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जो है ना ऑफसेट, ठीक है? दूसरा हम उठाते हैं ये वाला, उसी को हम, ये बॉक्स शेडो है बस, ये आप याद रखिएगा, इसी को उठा के ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक? इस तरह ये सारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो अगर आप इसको बॉक्स शेडो को W3 स्कूल पे देखना चाहें, क्योंकि W3 स्कूल पे लेटेस्ट है सब कुछ। जी जी वो है आपके पास, सॉरी MDN, MDN है, ठीक है? इससे भी आप देख सकते हो। अच्छा, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज, ठीक है? इसको ट्राई करते हैं, देखें। फर्स्ट वैल्यू जो है आपका हॉरिजेंटल ऑफसेट है। हॉरिजेंटल क्या होता है? हॉरिजेंटल कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, सही है? और दूसरा, यू कैन ऑल्सो डिफाइन द कलर ऑफ द शेडो, ठीक है? तो आप कलर ऑफ द शेडो, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों हैं, ठीक है? हॉरिजेंटल और वर्टिकल हमने दिया है तो ये बॉर्डर जो है ना आपका बॉक्स से नीचे आया है, ठीक है? शेडो, फिर आपने सेम रख के बस कलर दे दिया, फिर आपने सेम रख के कलर दे दिया, ठीक है? तो आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं उसमें। दूसरा जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है? ये अच्छा, ब्राउजर सपोर्टेड है, देखो आपको नजर आएगा। नंबर फॉलोड बाय वेब किट और मॉज स्पेसिफाई द फर्स्ट वर्जन दैट वर्क विद अ प्रीफिक्स। तो ये देखो, वेब किट है हमारे पास इसके लिए, और वेब किट इसके लिए भी है, और मॉज के लिए हमारे पास ये है। तो इसमें और इसमें ये ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन इसमें वर्जन्स लिखे हुए हैं, ठीक है? ये जो वर्जन्स है ना, इन वर्जन्स पे चलेगा, ठीक है? स्पेसिफिक वर्जन्स पे प्रॉपर्टीज सपोर्टेड हुई हैं, ठीक है? मैंने बताया था ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, जब भी कोई नई CSS की प्रॉपर्टी रिलीज होती है ना, तो ब्राउजर को उसको अपने अंदर ऐड करना होता है, ठीक है? ताकि वो उसको डिस्प्ले करवा सके। तो अब उनके ब्राउजर के अलग अलग वर्जन्स चल रहे होते हैं, ठीक है? तो अब जिसमें जो सपोर्टेड हो गया वो यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है? अब आपके पास है ऐड अ ब्लर इफेक्ट। द ऑप्शनल थर्ड वैल्यू एड्स अ ब्लर इफेक्ट टू द शेडो। ब्लर का मतलब क्या होता है? धुंधला, ठीक है? ये धुंधला सा जो इफेक्ट है ना, ये इसकी वजह से आया है, ठीक है? अगर आप इसको रिमूव कर दो ऐसे,
रन करो तो देखो ये बिल्कुल सॉलिड कलर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं सॉलिड कलर। अच्छा फिर आपके पास मोर ब्लर, तो आप मोर ब्लर करोगे तो जितना ये बढ़ाते रहोगे उतना ये ब्लर होता जाएगा। ब्लर के साथ आपने कलर भी दे दिया, कलर दे दो आप। ठीक है जी, बॉर्डर हटा दो, ये बॉर्डर बॉर्डर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बॉक्स का शेडो है ना। ठीक है बॉर्डर इसलिए दिया है कि वो आपको नजर आए कि ये बॉक्स है। अच्छा ये है स्प्रेड ऑफ शेडो, अब इसको जितना आप बढ़ाओगे ना उतना शेडो जो है ना बड़ा होता जाएगा। ठीक है इसको जितना आप कम करोगे उतना ये कम होता जाएगा, सही है। तो ये हमारी बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी है, ये आप लोग खुद ही ओपन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ लिंक को। बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ लिया था राइट, ठीक है इसको तो स्किप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं कि क्या है बॉर्डर रेडियस हमने। अच्छा बॉर्डर के जो रेडियस है ना उसको आप अलग अलग तरीकों से दे सकते हो, लाइक आपने अगर जो राइट है उसका बॉर्डर कर्व ज़्यादा देना है और लेफ्ट का कम देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो। अभी आप नीचे आओ ये देखो। अच्छा शेप्स बनानी है आपने, तो आप जिस तरह ऊपर नीचे मूव करोगे ना इनको तो ये इस तरीके की शेप्स भी बन सकती हैं। ठीक है अब ये आपको ट्राई करना है कोड को, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है अगर बॉर्डर रेडियस आप पूरा दे दोगे तो क्या होगा, चारों कॉर्नर्स पे लग जाएगा। ठीक है लेकिन अगर आप उसके कॉर्नर्स को आगे पीछे करना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम लेफ्ट और राइट, इनको उठाओ और यूज कर लो। सही है एक चीज हमने पढ़ ली है तो ये इशू नहीं होना चाहिए, सही है प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये उठा के आप लोग यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है अच्छा और जो दूसरा चैप्टर है इसमें क्या क्या पढ़ा है हमने, सी एस एस स्ट्रीट्स ईच एच टी एम एल एलिमेंट एट इज ओन बॉक्स, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है सी एस एस उसको कैसे ट्रीट करता है कि एक एक बॉक्स के अंदर है वो। ठीक है जब बॉक्स के अंदर आप सपोज करोगे तो फिर आप पैडिंग भी दे सकते हो, उसकी मार्जिन भी दे सकते हो और उसका बॉर्डर वगैरह और सब चीज़ें आप दे सकते हो। ठीक है यू कैन यूज सी एस एस टू कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स, डायमेंशन मतलब हाइट और वेद वगैरह। ठीक है यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द बॉर्डर्स मार्जिन एंड पैडिंग फॉर ईच बॉक्स। ठीक है इट इज पॉसिबल टू हाइड एलिमेंट्स यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, आप ये पॉसिबल है कि आप जो एलिमेंट्स हैं उसको हाइड कर दो। ब्लॉक लेवल बॉक्सेस कैन बी मेड इन टू इनलाइन बॉक्स, ठीक है तो जो ब्लॉक है उसको आप इनलाइन कर सकते हो। लिजिबिलिटी कैन बी इम्प्रूव बाय कंट्रोलिंग विद इन बॉक्सेस कंटेनिंग टेक्स्ट एंड लीडिंग, हमने लीडिंग भी पढ़ा था। और CSS3 हैज इंट्रोड्यूस द एबिलिटी टू क्रिएट इमेज बॉर्डर्स एंड राउंड कॉर्नर, अब ये आप लोगों का काम है कि आपने ये देखना है, ये मैंने स्किप किया है ना, ये आप लोगों ने खुद लगा के देखना है कि जो बॉर्डर्स है ना बॉर्डर उसके अंदर कोई इमेज भी लगा सकते हो आप। ठीक है बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन वो लगा के देख लेना आप। ठीक है प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई है तो आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा फिर हमारे पास है लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स, इनको आपने क्या करना है कि इनको आपने स्टाइलिंग करनी है सीएसएस के थ्रू, एडिंग स्पेसिफिक बुलेट्स पॉइंट स्टाइल्स। ठीक है जो आपकी लिस्ट आती है ना उसमें डिफॉल्ट हमारे पास वो गोल ही नजर आ रहे हैं। ठीक है लेकिन वर्ड में क्या करते हो आप अलग अलग कर सकते हो ना, तो अब आप इसके पॉइंट्स यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है वो जो बुलेट्स आ रही होती हैं, एडिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स टू टेबल्स, अब जो टेबल है वो जब आपने शुरू में बनाया था तो वो कैसा था, सिर्फ आप समझो एक पेंसिल से ड्रॉ कर लो, लेकिन अब आप उसके बॉर्डर्स उसका बैकग्राउंड उसके अंदर पैडिंग सब कुछ दे सकते हो सीसीस के थ्रू। चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स,
ये हमने पहले भी देखा है कि जो फॉर्म का एलिमेंट होता है ना, जो इनपुट बॉक्स हो गया ये वो, उसकी अपेरेंस को आप चेंज करते हो, ठीक है। आप उठाते तो HTML का बेसिक फॉर्म हो, लेकिन उसको आप थीम के हिसाब से चेंज करके देते हो, जिसके लिए भी काम कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन सबकी थीम्स अलग अलग होती हैं, तो आपको वो स्टाइल करना पड़ता है, सही है। अच्छा, उससे पहले हमारे लास्ट टाइम वो एक टॉपिक रह गया था पोजीशंस का, ठीक है, उसको हमको देखना है अभी। उसके लिए 1 2 3 पेरेंट, अच्छा इसको हम वन दे देते हैं, इसको 2 दे दें, इसको आप 3 दे दें, किसी को अगर पहले से पता है तो हमें कुछ हेड्स अप दे सकते हैं कि क्या होती हैं पोजीशंस, पता है किसी को जी? किसकी प्रॉपर्टीज, हम मतलब क्या उसका आइडिया क्या है, पोजीशंस से करते क्या है, अरेंज मतलब अगर आप तो ऑर्डर में तो ऐसे ही आएंगे ना, मैं लिख रहा हूँ ये तो ऑर्डर में आ जाएंगे। हाँ तो ये नहीं कर सकते हम इसका डिव उठाए वहां पे रख दे जहां पे रखना है, चलें देखते हैं। ये मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई और मैंने इसको हाइट दे दी, हाइट मैंने इसको दे दी पिक्सल्स, ठीक है। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर भी कुछ भी दे दिया लाइक, ठीक है। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, इसको भी मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, अगर मैं पेरेंट का बढ़ा दूंगा तो वो इनहेरिट हो जाएगा, राइट, तो सब में देने की ज़रूरत नहीं है, इसका ही फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 50 पिक्सल्स, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा ये, अच्छा इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास, अच्छा ये देखो W3 स्कूल में ना इस तरह ही आपको आते हैं कि लेआउटिंग, अगर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये लेआउटिंग में यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा कोई भी एलिमेंट जब आ रहा होता है ना आपके पास यहाँ पे रेंडर हो रहा होता है, उसकी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है ना वो आपकी कौन सी होगी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, हाँ इधर नहीं आएगी, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन किसी भी HTML एलिमेंट की होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है। कौन सी होती है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमने HTML के इसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है ना ऐसे ही आएगा वो, ठीक है। मतलब कि पहले अगर हमने H1 लिखा हुआ है तो H1 ही आएगा, और फिर हमने ये डिव बनाया है तो ये डिव आएगा, फिर हमने ये 3 डिव बनाए तो इसी तरीके से आएंगे वो, ठीक है। वो स्टैटिक होती है। दूसरा हमारे पास है प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव। अच्छा देखें स्टैटिक क्या होती है हम पढ़ भी लेते हैं,
HTML elements are positioned static by default. Default का क्या मतलब है, पहले से ही जो है ना सेट होके स्टैटिक आते हैं. स्टैटिक पोजिशन एलिमेंट आर नॉट इफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट की प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती. कब तक, जब तक उसकी पोजिशन क्या रहती है, स्टैटिक. तो कभी भी आपको मूव करना हो ना, आपको डॉम एलिमेंट से बाहर, डॉम एलिमेंट क्या होता है, डॉम डॉम आपका क्या होता है, ये जो रेंडर हो रहा है ठीक है, इस डॉम की हिरार्की से अगर आपने बाहर निकालना हो. अब हिरार्की क्या होता है, ये जो हिरार्की बनी हुई है ना, हेड में बॉडी फिर इस तरह ये डिव, इससे उसको बाहर निकालना है आपने, तब आप उसकी पोजिशंस को चेंज करते हो. आ रही है समझ में बात, या मुश्किल हो रहा है? जब समझ में नहीं आई तो पूछ क्यों नहीं रहे? हाँ तो पूछो ना. पोजिशन स्टैटिक जितने भी HTML एलिमेंट है उनकी डिफॉल्ट होती है, मतलब पहले से सेट होके आती है ठीक है, सही है? अच्छा, तो पोजिशन स्टैटिक अगर है तो पोजिशन स्टैटिक से क्या होता है, ये इसको फॉलो करेगा कि पहले H1 आएगा फिर div आएगा और उसी तरीके से ये चलता रहेगा ठीक है. तो अगर आपने जो 1 है ठीक है, 1 को अगर आपने टॉप पे लेके जाना है, बॉटम पे, राइट पे, जिस तरह भी आपके सामने ये आ रहा है ठीक है, इसकी पोजिशन क्या है, फिक्स है ठीक है. ये div है लेकिन ये पूरे डॉम ट्री से, डॉम ट्री बोलते हैं ना इसको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो ये आपका वेब पेज होता है जब रेंडर होता है इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इससे बाहर है वो, इससे बाहर होके वो यहाँ पे फिक्स हो गया. इसको टॉप बॉटम हमने कोई प्रॉपर्टी दी होगी तो यहाँ पे ये सेट हो रहा है. तो पोजिशन स्टैटिक अगर होती है तो ये चारों प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई नहीं होती ठीक. हम अपनी एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले इनकी एग्जाम्पल भी देखते हैं ठीक है. तो क्या कह रहा है, एलिमेंट विद पोजिशन स्टैटिक इज नॉट पोजिशन इन एनी स्पेशल वे, इट इज ऑलवेज पोजिशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज, कि जो पेज का नॉर्मल फ्लो है उसी तरीके से ये हमें यहाँ पे दिखेगा ठीक है. ये जो इस तरह दिख रहा है, इसका कोई ये नहीं है कि ये ऊपर मूव कर जाए, अगर हम टॉप बॉटम लेफ्ट या कुछ भी दे दें या लेफ्ट पे चला जाए, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने उसकी पोजिशन स्टेटिक करी हुई है. फिर हमारे पास है रेलेटिव. एन एलिमेंट विद पोजिशन रेलेटिव इज पोजिशन रेलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. सेटिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेटिवली पोजिशन एलिमेंट विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन, अदर कॉन्टेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट एनी गैप. तो जब आप इसकी पोजिशन को छेड़ दोगे, आप इसको रिलेटिव कर दोगे, फिर देखो आपने क्या दिया हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो अब ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा ठीक है, इस तरह ये मूव करेगा. अब ये सेम पोजीशन अगर हम यहां लगाएं इसके ऊपर, पोजीशन रिलेटिव, फर्क पड़ा कोई, क्यों, टॉप दे दूं इसको, टॉप में देता हूं 50 pixels, ये क्या हुआ, समझ आया क्या हुआ है, नहीं आया? ये जो डॉम का वो आ रहा था ना, जिस तरह 1 2 3 आ रहा था, उससे हट गया. अब देखो ये उनके ऊपर आएगा या पीछे आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये जो नॉर्मल फ्लो से हट गया, लेकिन इसने किसी एलिमेंट को नहीं छेड़ा, ऐसे ही है, एलिमेंट आगे पीछे तो मूव नहीं हुआ. ये जो 2 है ना, इसके 3 है, इसके पीछे छुप गया. अगर मैं इसकी जो फॉन्ट है उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये समझने वाली बात है ठीक है, ये लेआउटिंग में और उसमें बहुत यूज होगी. तो नहीं समझ आएगा तो हम रिपीट करेंगे. अच्छा, और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे कर दें. अब देखो ये जब 1 जो है ना ऊपर आ रहा था 2 के राइट, लेकिन हमने जब इसको टॉप दिया तो ये टॉप से उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऐड हुई, पिक्सल्स ऐड हुए, तो वो नीचे आ गया. लेकिन जो 2 पहले से आ रहे हैं जो कि स्टैटिक पोजीशन को फॉलो कर रहे हैं ना, 2 और 3, क्योंकि उनकी पोजीशन तो हमने चेंज नहीं करी है, हमने किसकी करी है, 1 की, और हमने टॉप दे दिया, तो वो क्या हुआ है, वो नीचे आ गया या कहीं भी मूव कर सकता है ठीक है, XYZ. लेकिन वो ये नहीं होगा कि अगर वो 2 से पहले आ गया है तो वो फिट हो जाए अंदर, वो फिट नहीं होगा. आप
वो अब उनके ऊपर वाली लेयर पे आ गया, ठीक है। जो ओरिजिनल है ना वो ये पीछे चल रही है, अब ये ऊपर वाली लेयर पे सिर्फ तैर रहा है, आप समझो, सही है। तो आप इसको इधर उधर मूव करना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर सकते हो जी। क्यों कम किया है ये? मैंने कम किया है ना इसलिए कि मैं दिखा सकूं कि वो उसके ऊपर आ रहा है। फॉन्ट साइज था ना, हमने डिफ को वो नहीं दिया हुआ, हाइट एंड विड्थ नहीं दी हुई, ठीक है। तो मैंने फॉन्ट इसलिए कम किया था कि आप लोगों को नजर आए कि वो उसको क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर आ गया है, वो अंदर फिक्स नहीं हो रहा, ठीक है। आई समझ में? या रिपीट करूं? हाँ ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में तो भाई वो फॉलो कर रहा है ना, जो आपने कोड लिखा है, जो आपने ये कोड लिखा है स्टैटिक में, ये चीजें फॉलो हो रही हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। पहले 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी की पोजीशन हिला देते हो तो तब वो इशू करेगा, ठीक है। अच्छा कहाँ गया यार? आ गया समझ में रिलेटिव। फिर है हमारे पास फिक्स्ड। एन एलिमेंट विद पोजिशन फिक्स इज पोजिशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, विच मीन्स इट इज ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रोल्ड। द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज टू पोजिशन द एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये टॉप राइट बॉटम प्रॉपर्टीज होती हैं, अप्लाई होती हैं अगर आप पोजिशन फिक्स दे दो। पोजिशन फिक्स का मतलब उधर ही फिक्स हो जाएगा, जहाँ पे भी आपने दिया उसको वो वहाँ फिक्स हो जाएगा। अगर आप स्क्रॉलिंग करके ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो वो वहीं रहेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें पोजिशन फिक्स दी हुई है और इसने टॉप सॉरी बॉटम को जीरो कर दिया, और बॉटम को जीरो कर दिया और राइट को जीरो कर दिया, तो जो भी लेफ्ट और उस पर अप्लाई हो रहा है वो लग गया है, ठीक है। लेकिन बॉटम और लेफ्ट को जीरो किया तो वो नीचे आ गया पेज के, ठीक है। कोई इशू? अच्छा अब हम ट्राई करते हैं इसको देने की। हमारे पास जो है वो 2 है ना, टू कहाँ गया? टू गायब हो गया, कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब देखो ये कहाँ चला गया और ये ऊपर फिक्स रहेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, अगर इसको एब्सोल्यूट दे देते फिर क्या होता है? नो चलें वो किसी और एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ आ गया कि ये वो इसी तरीके से होता है ना। आप सवाल इससे रिलेटेड पूछना चाह रहे हो, वो किसका पूछना चाह रहे हो? वो थर्ड पार्टी होती हैं, वो स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो खुद बना देते हैं। बटन पूछ रहे हो ना? बटन नीचे जो आता है उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ वो इसी से होता है। अगर आप ये पूछ रहे हो वो कुकीज को कैसे रखता है वो अलग बात है। हाँ बटन ऐसे ही आता है नीचे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर दो तो ये क्या होगा? राइट पे मूव करेगा, ठीक है। अगर आप इसका बॉटम जीरो कर दोगे तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कुकीज वाला सेटअप हो गया। बढ़ा दें दरी, बढ़ा दें, जितना आप बढ़ाओगे ना बॉटम, बॉटम जीरो करोगे तो मतलब बिल्कुल जीरो है, वो चिपक जाएगा आके, ठीक है जी।
माइनस में कर दो यार, नीचे चला जाएगा, आपकी जो व्यू पॉइंट है ना उससे गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी हद है, माइनस करोगे तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह राइट दे दो, ठीक है, राइट से ऐड होगा, और लेफ्ट अगर दोगे तो ये लेफ्ट पे ऐड होगा, ठीक है, इस तरह। जी ये एरो की से ना, एरो की से अप डाउन कर रहे हैं, सही है। अच्छा अब आपको कह रहे हैं कि एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर इन सीड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बॉक्स को सिर्फ डिव के अंदर ही मूव करना है, ठीक है, आपके पास स्पेसिफिक डिव है उसी के अंदर टॉप लेफ्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन इट यूजेस द डॉक्यूमेंट बॉडी। अब ये कह रहे हैं कि अगर पेरेंट जो है, अगर पेरेंट को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, जिस तरह हमारे केस में है ना, ये तो हमने पेरेंट को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, तो ये क्या कर रहा है, ये किसको समझ रहा है, पेरेंट अपना जो ऊपर टॉप वाला है उसी को पेरेंट समझ रहे, तो उससे जो है ना ये टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए वहां चिपक गया। तो अभी हम देखते हैं। अच्छा हाउएवर, अच्छा ये हो गया ना, नोट एब्सोल्यूट पोजीशंस एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड कैन ओवरलैप। एब्सोल्यूट जब पोजीशन देते हो तो वो फ्लो से हट जाते हैं और वो ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। हेयर इज एन एग्जाम्पल, हेयर इज द सीएसएस यूज्ड, इसको ट्राई करें देखें। सबसे पहले जो डिव है वो रिलेटिव है, देखो रिलेटिव क्लास कहाँ अप्लाई हुई है, कहाँ अप्लाई हुई है, ये जो है इसके अंदर अप्लाई हुई है, राइट। और फिर एब्सोल्यूट, उसके अंदर एक डिव है, तो देखो अब जो रिलेटिव है उसके अंदर क्या दिया गया है, सिर्फ पोजीशन रिलेटिव दी हुई है और तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और सेम जो एब्सोल्यूट है वो किसको दिया हुआ है, जो इसका चाइल्ड डिव है, ठीक है। अब ये जो है ना चाइल्ड डिव, ये क्या करेगा, ये इसी के अंदर मूव करेगा। अब जिस तरह हाइट आ रही है ना 200 पिक्सल्स, तो 80 दोगे तो ये इस तरह टॉप लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर आप जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, क्या होगा, कौन बताएगा क्या होगा जीरो करने से, सही है। वो मैंने रन का बटन दबा दिया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चले आसान हो रही है। अच्छा देखें यहाँ पे, ये आप लोग को समझ आ गया कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। ये अब इसके अंदर ही मूव करेगा, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, रिलेटिव पोजीशन देनी पड़ेगी, उसको देखते हैं हमारा ये काम होता है या नहीं होता, ठीक है। नहीं हुआ, किसको, उसको फिक्स देंगे ना हम, एब्सोल्यूट देंगे तो इशू हो जाएगा यार, फिर हमें दोबारा एक और बनाना पड़ेगा। फिक्स तो ओवरऑल होता है, ठीक है, ओवरऑल उसके ऊपर करना होता है हमें, ठीक है, किसी उसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। ये फिक्स नहीं होगा, आप ये इस तरह मूव करेगा, ये कॉर्नर पे आ जाएगा बॉक्स के, सही है। और स्टिकी क्या करता है, स्टिकी एलिमेंट स्टुगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड, ये इनके दरमियान में होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन इट इज पोजीशन रिलेटिव अंटिल इट्स गिवन ऑफसेट पोजीशन इज मेट।
ठीक है, वैसे तो ये आपके पास रिलेटिव रहता है, लेकिन जैसी ही कोई कंडीशन मैच होती है ना, ये फिक्स होने लग जाता है। ठीक है, वैसे तो ये मतलब इस तरीके से रहता है, जिस तरह अभी अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो बार है, ठीक है, ये अभी जो है ना इस तरह नज़र आ रही है आपको, ठीक है, लेकिन ये पहले, उसके बाद जब इसका कोई ऑफसेट या कुछ मैच होता है ना, तो ये स्टिकी हो जाती है। इसको हम देखते हैं, स्टिकी का मतलब है ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है, जब आपने स्क्रॉल किया तो ये इस तरीके से नजर आ रही, लेकिन जैसी ऑफसेट मैच होता है ये ऊपर स्टिकी हो जाती है। ये ज्यादातर जो हमारी ये नेव बार्स होती हैं इसके लिए होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं है, ये तो फिक्स ही है, सही है, ये स्टिकी नहीं है, ये फिक्स हुई हुई है। अच्छा, इसकी, अच्छा ये कह रहे हैं नोट, इंटरनेट एक्सप्लोर डज नॉट सपोर्ट स्टिकी पोजिशनिंग, सफारी रिक्वायर्स अ वेब किट प्रीफिक्स, ठीक है, तो जब सफारी के लिए काम करोगे तो वेब किट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई एट लीस्ट वन ऑफ द टॉप राइट बॉटम लेफ्ट फॉर स्टिकी पोजिशन टू वर्क, ठीक है, स्टिकी पोजिशन के लिए हमें जरूरी है ये देना, ठीक है, क्योंकि यहीं से ऑफसेट मैच होता है कि फॉर एग्जाम्पल राइट पे स्क्रॉल हो गया, टॉप पे हो गया, बॉटम पे हो गया, तब वो स्टिक होगी, स्टिकी होगी। अच्छा, इन दिस एग्जाम्पल द स्टिकी एलिमेंट स्टिक्स टू द टॉप ऑफ द पेज व्हेन यू रीच इट्स स्क्रॉल पोजिशन, स्टॉप क्या है, जीरो। अब आ जाओ इसको ट्राई करते हैं। अभी आप देखें, एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, एक डिव बना हुआ है, और ये हमारे पास एक क्या बना हुआ है, डिव है, उसके अंदर पीस बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्टिकी वाला है ना, अभी सिर्फ हमने उसको देखना है, और उसमें क्या हो रहा है, देखो पोजीशन क्या दी हुई है, स्टिकी, और टॉप क्या है, जीरो। इसका मतलब जब स्क्रॉल आप कर रहे हो, स्क्रॉल करते वक्त इस वाले स्टिकी डिव के ऊपर कुछ ना बचे, मतलब जीरो जीरो हो जाए, जीरो, तब इसको क्या कर दो, स्टिकी कर दो, मतलब जब ये अप मूव हो और कोई भी स्पेस ना बचे, तब ये क्या हो जाए, स्टिकी हो जाए, ठीक है। ये देखो आ गया समझ में, ये तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, हाउ टू पोजिशन टेक्स्ट ओवर एन इमेज, ये भी देखते हैं, अच्छी एग्जाम्पल है। अगर आपने टॉप लेफ्ट पे देना है तो आप क्या करोगे, देखो आपने एक कंटेनर बनाया, उसकी पोजीशन क्या दे दी, रिलेटिव दे दिया। अभी कंटेनर जाके चेक करो कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, राइट, इसके अंदर क्या क्या है, और एक इमेज है और एक आपके पास डिव है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अभी डिव है तो पैराग्राफ भी हो सकता है और डिव भी हो सकता है, दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, राइट। अच्छा, और उसकी हाइट वगैरह आपने इमेज की दी हुई है, ठीक, ये इमेज जो है ना पहले से ही वो आ रही है, लाइन ओपेसिटी कम है इसकी, तो अब आपने जो टॉप लेफ्ट है उसको क्या दे दिया, क्या दे दिया, एब्सोल्यूट दी, और टॉप लेफ्ट पे मूव कर दिया, तो जो टेक्स है ना वो इमेज के ऊपर आ गया, ऐसे ही आएगा टेक्स इमेज के ऊपर, ठीक है, वरना तो टेक्स आप लिखोगे, अगर अगर आप स्पैन में डाल रहे हो टेक्स, तो वो क्या होगा, इनलाइन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लॉक में डाल रहे हो तो आपको इस तरीके से चीजें ऊपर नीचे मूव करनी होंगी, सही है। सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के, तो टेक्स इसके ऊपर आ गया, बहुत सारी इमेजेस में आप देखोगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। नमाज कब होगी, चले नमाज के लिए चले, अपनी ले लो, दोस्त की ले लो, इमरान खान की ले लो, लेकिन जो कैप्शन है ना वो ढंग का होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ये जो आ रहा है ना इसको कैप्शन कहते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने उल्टा सीधा अगर लिखा, डायरेक्ट जीरो असाइनमेंट, जीरो मार्क्स मिलेंगे, सही है, कंप्रोमाइज नहीं होगा, और असाइनमेंट जिप के अंदर भेजना है, ठीक है। क्या वो मैं बाद में चेक करूंगा, वो असाइनमेंट अब मैं चेक नहीं करा करूंगा, वो दूसरे टीचर हैं वो चेक करेंगे आप लोग के सामने, माशाल्लाह। देखें, यहां एक फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, ठीक है,
कुछ भी डाल दो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। जब आपने मुझे भेजना है तो आपने राइट क्लिक करना है, ये जो है ना विनरार अपने पास रखिएगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसी हो ऐड टू आर्काइव करो, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, नाम ये दे दो और ओके कर दो, ये जिप आ जाएगी। इसको ओपन करोगे कुछ होगा तो नज़र आएगा ना, जब कुछ इसके अंदर होगा ही नहीं तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। बस सिंपल सा है ये तो CIT वाले बच्चे भी कर लेते हैं आराम से, इसमें क्या बड़ी बात है, बताओ दोबारा, बताओ बताओ दोबारा जी। दोबारा बताओ, हाँ आर्काइव, भाई देखो मेन जो फोल्डर है ना उसको जिप करना है बस, ठीक है। आप क्या करते हो, अगर उससे ही होता है तो उससे कर लो, गूगल ड्राइव से, ये पता नहीं मुझे यार, हो सकता है, हो सकता है तो सही है, जीरो तो नहीं मिले ना आपको, बस सही है। रीसबमिट क्यों कराया, जिसका अच्छा असाइनमेंट समझ आ गया आप लोगों को, ये नहीं आया, स्क्रीनशॉट का प्लगइन है, आप क्रोम में ऐड कर लो, बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करना चाहो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये अच्छा है काफ़ी। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्क्रीनशॉट लो, उसको एडिट करो, किसी को अगर कुछ बताना हो आपने कि यहाँ पे क्लिक करके ऐसे चले जाओ वैसे चले जाओ, कर सकते हो कुछ भी करना चाहो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है इसके अंदर, जी जी क्रोम के अंदर ही होता है ये, सही है। अच्छा अब मैं इसीलिए इसको डाले कि मैं आप लोगों से वो, अच्छा यहाँ देख लें असाइनमेंट है ना आप लोग का, तो मैं इसलिए इसको क्रॉप कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये हवर पे होगा या नहीं होगा, हवर पे फिर हमें इस तरह कंट्रोल पी लेना पड़ेगा। ये असाइनमेंट आप लोगों ने घर से करना है, अगर इतने एक्सपर्ट हो गए हो तो माशाल्लाह अच्छी बात है। वैसे ये असाइनमेंट छोटा सा है, ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि असाइनमेंट्स तो हमें चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि आहिस्ता से फिर हमने एंड में हम करेंगे क्या कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हम क्लास के अंदर होगा हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर एक पूरी वेबसाइट बना लेंगे हम, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारी सारी चीज़ों का, ठीक है, कि ठीक है इसको सेव करते हैं। जो भी है यार स्पेलिंग ये है, ये आफ्टर वाली इमेज है, राइट, ये मैंने पूरे ही आपको पेज दे दिया, ठीक है, तो मैं असाइनमेंट जब शेयर करूंगा ना तो ये दो इमेजेस होंगी आपके पास। अच्छा इसने ऐसे दे दिया, हो इसको एडिट कर लें, यहाँ से भी एडिट हो जाता है, क्रॉप कर दें, ठीक है, हमें रेजोल्यूशन से कोई काम नहीं है। हाँ ट्रंप वाली, लेकिन वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो नहीं लेगा आपका, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं काम टाइम तो जो टाइम है ना वो कम रखूँ, बहुत ज़्यादा कम जी, रख दूँ ना, नहीं नहीं 3 दिन क्या हो गया भाई,
पहाड़ खोदना है क्या, इसमें करना है क्या, ये काम मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को क्लास के अंदर। ये एक दफा अब असाइनमेंट बंद हुए तो दोबारा नहीं खुलेंगे। अब असाइनमेंट की चेकिंग मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, मैंने आप लोग को चांस दिया है, अब चांस भी नहीं दे सकता मैं, ठीक है। हाँ एक दिन तो दे दूंगा ना यार आप लोग को, ओहो अच्छा एक बात और बताएं, जब जब कल सर आपको असाइनमेंट दे रहे थे तो आप लोग को ये बताना चाहिए था ना, हमने ये नहीं पढ़ा, क्यों नहीं बताया आप लोगों ने, आप लोग को ये बताना चाहिए था, हम बुक फॉलो करते, हम बुक को फॉलो करते हैं, हमारे चैप्टर्स हैं, आप देखें लेआउट का चैप्टर यहाँ आ रहा है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कल, तो अब ये आएगा तो हम चीज़ करेंगे ना, तो आप इधर से जो असाइनमेंट्स लेना चाहते हैं ना ये करते ना आप लोग, ठीक है। चले कोई बात नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम मैं ना आऊँ तो आप लोग बताइएगा कि हम बुक को फॉलो करें और ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इससे असाइनमेंट दे दें आप, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग को समझ आ गया क्या करना है, ठीक है। एक दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, दो दिन बहुत ज़्यादा है, मैं आधा दिन कर दूंगा, अब उससे एक दिन से ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, अब याद रखिएगा जी। नहीं नहीं वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कैप्शन में दोगे तो फिर आपको ऊपर मूव करना है, इमेज के ऊपर ओवरले करना है, जो आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना उसके थ्रू होगा ये काम, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है आप लोग कैसे करोगे, सही है। अगर आप लोग को इंस्पेक्टर यूज करना आ गया है तो आप apnews.com पे जाओ और वहाँ से इन्वेस्ट इंस्पेक्ट करके देखो कि कैसे हो रहा है, टेक्स्ट पहले से पड़ा हुआ है, हाइड हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है। मैंने क्लासेस में इंस्पेक्टर यूज़ इसीलिए करता था कि आप लोग को आइडिया हो जाए उन चीज़ों का, ठीक है। ये असाइनमेंट है एक, और अगर मुझे कोई और भी मिला तो फिर मैं वो अगले दिन का ऐड कर दूंगा, ठीक है, एक एक दिन का या दो दो दिन के असाइनमेंट्स, सही। अच्छा अब हम आ जाते हैं लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स, आप जो स्लो हुआ वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह गया तो फिर उसको कोई नहीं देखेगा पीछे जी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट वो रेस जीतने के लिए उसके असाइनमेंट ओपन नहीं होंगे ना, क्या करेगा वो बताओ। अच्छा स्टार्ट करते हैं चैप्टर, अब ये लिखा है देर आर सेवरल सीएसएस प्रॉपर्टीज दैट वर क्रिएटेड टू वर्क विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट सच एज लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स। तो मतलब वो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ लिस्ट टेबल्स और फॉर्म्स के लिए ही बनी है, तो हम उन्हीं के ऊपर अप्लाई करके उनकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग ऑन लिस्ट, जो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग और जो बुलेट पॉइंट्स है दोनों को चेंज कर सकते हो। एड बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू द टेबल के सेल्स, टेबल के सेल्स को बॉर्डर और बैकग्राउंड दे सकते हो। कंट्रोल द अपेयरेंस ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, तो फॉर्म के जो कंट्रोल्स हैं उनके अपेयरेंस को भी चेंज कर सकते हो। अच्छा यार आप दोनों में से एक इधर आ जाओ जल्दी से, जो बैक पे बैठे हैं, अब चूज कर लो कौन इधर आएगा, आपकी वजह से सर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इधर आओ, आगे आओ, आगे, और आप इधर आ जाओ, आप लोग इधर उधर हो जाओ, प्रैक्टिस तो नहीं करें ना अभी, जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी, जब आगे जगह खाली हो तो आगे बैठ जाएं, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं हम,
अच्छा, ये कुछ आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आप टेबल को इस तरीके से अपनी पर्सनलाइज करके आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो हम आगे जाके देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। सबसे पहली आपके पास बुलेट पॉइंट स्टाइल्स, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है? ये कह रहा है द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंट्रोल द शेप और स्टाइल ऑफ अ बुलेट पॉइंट ऑल्सो नोन एज मार्कर। लाइक ये देखो हमने क्या किया, हमने इसके जो बुलेट पॉइंट्स थे ये, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं ये लिस्ट कौन सी है, ओ एल है या यू एल है? ओ एल है। ओ एल वाले कितने कितने हाथ खड़ा करें ओ एल वाले? अच्छा, और बाकी यू एल वाले? बाकी कहाँ, बीच के कहाँ? यू एल है या ओ एल है, जल्दी जल्दी बताएं। तो यू एल में हाथ क्यों खड़ा करो भाई, यहीं से दो हाथ खड़े हुए हैं बस। ओ एल है ना, ऑर्डर लिस्ट है, इतनी सिंपल सी चीज है यार। अच्छा, यहां पे हमें बहुत सारे इवेंट लाइक डेसिमल, डेसिमल, लीडिंग जीरो, लोअर अल्फा, अपर अल्फा, लोअर रोमन और अपर रोमन। तो किसी भी स्टाइल का आप यहां से वो बुलेट पॉइंट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, कैसे हम एक यूएल और वो बना लेते हैं, यूएल बनाएंगे ओएल बनाएंगे? चार कर लेते, ठीक है? अच्छा, इसको हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है? टॉप वाले को ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है? 1, 2 और 3 आ गया। अब वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी लगाओ लिस्ट स्टाइल टाइप, तो लगा देते हैं। वो लगेगी किधर? एल आई पे नहीं लगेगी, याद रखिएगा। किस पे लगेगी? पूरी लिस्ट पे लगेगी। तो ओ एल को हम यूज करते हैं। अभी हमारे पास दूसरा कोई ओ एल है नहीं, तो हम इसको अभी के लिए डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं, ठीक है? अगर मल्टीपल होते ना तो फिर हम क्लास के थ्रू या किसी और जरिए से करते, सही है? लेस स्टाइल टाइप। अच्छा, यहाँ पे आए आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये देखो ये सारे आ जाएंगे, सर्कल, डेसिमल, डिस, जॉर्जियन, ये सारे आ जाएंगे, कंट्रोल स्पेस। तो अच्छा, ये मिक्स हैं, अभी हम इसको उठाते हैं लोअर लैटिन, इस तरीके से आ गया, ठीक है? और कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ भी दी हुई हैं, ऑर्डर, डेसिमल, लोअर अल्फा, ये वो सारी दी हुई हैं, ठीक है? तो आप कोई भी उठा के लगा सकते हो, आप ये लगा लो लोअर रोमन। ठीक, तो अब आप चेंज कर सकते हो चीजें सीएसएस के थ्रू। इमेजेस फॉर बुलेट्स, अच्छा आप इमेज भी लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ठीक है? बिल्कुल ये स्मॉल होगी, ठीक है? 10 बाय 10 या कुछ भी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं जी, डिपेंड करता है कि अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर आप इमेज लगा लो, ठीक है? अगर हैं तो आप, अच्छा आइकन्स उठाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, ठीक है? तो जी आइकन नहीं उठाना, इमेज उठानी है हमने। फॉर एग्जाम्पल ये उठा लेते हैं, ये पता है किसी को किसका लोगो है ये? जी, अब ये डिपेंड करता है इसकी डायमेंशंस क्या है, ये नहीं पता आप लोगों को यार। हाँ? कौन बोला है?
यार ये रिएक्ट का लोगो है, ये आप पढ़ोगे तो ही मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। पहली जॉब 50 50,000 प्लस से आएगी, आएगी नहीं आएगी, क्या कह रहे हैं? ये तो आइकन है यार, पीएनजी उठाना है हमने जी। लोगो तो वही है ना, कलर चेंज कर दे तो क्या होगा, ये उठा लो यार। पीएनजी है ना, अरे यार हाँ? अरे हमें इमेज चाहिए, जो लास्ट टाइम बताया था वो कौन सा था, आइकन फाइंडर। स्टार उठा ले, वेबसाइट लिख लो यार, आपके कोलीग ने बताई है जी। क्या बोल रहे हो? अरे मेरे भाई वो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट ही है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ना कि कैसे चलता है। फोटोशॉप है ना आप लोगों के पास, हम कोशिश करेंगे कि फोटोशॉप के बेसिक टूल देख ले, ताकि हमें ये क्रॉपिंग व्रॉपिंग आ जाए करना, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट ही है वैसे, पीएनजी जो होता है ना वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है बुक में कि अगर इस तरह लगाना है तो आप लिस्ट स्टाइल इमेज कर दो, सही है। एक और बनाते हैं और उसको यूएल बना लेते हैं, ठीक है। तो यूएल इसलिए, यूएल को इसलिए दिया जा रहा है ये क्योंकि यूएल में तो हमारे पास कोई नंबर्स तो होते नहीं है, तो हम इमेज भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस तरीके से दिया है, लिस्ट स्टाइल इमेज और यूआरएल। ठीक है इस तरीके से ये इस तरह आ गई, ठीक है। ये ना थोड़ी सी इमेज बड़ी है, हमें और छोटी करनी चाहिए थी लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इससे छोटी अवेलेबल है नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएंगी, इमेजेस भी नज़र आ जाएंगी, ठीक है। नहीं ये आपको खुद ही सेट करके इमेज पर इधर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर अगर जी ये रहा कोड में लिस्ट स्टाइल इमेज और यूआरएल दिया, और यूआरएल के अंदर हमने लिंक कर दिया कि कहाँ से लेनी है, ठीक है, सही है। अच्छा फिर हमारे पास है पोजिशनिंग द मार्कर। अच्छा ये कह रहा है कि लिस्ट आर इंडेंटेड इनटू द पेज बाय डिफॉल्ट एंड द लिस्ट स्टाइल पोजिशन प्रॉपर्टी इंडिकेट्स वेदर द मार्कर शुड अपेयर ऑन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कंटेनिंग द मेन पॉइंट्स, ठीक है। दो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। एक आ रहा है इस तरीके से जो कि हमें नजर आता है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा आ रहा है ये। तो ये वाला जो है वो कौन सा है, लिस्ट पोजिशन स्टाइल इनसाइड, आउटसाइड डिफॉल्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक और लिस्ट बना लेते हैं हम, इनको मैं बंद कर देता हूँ, सही है, इस तरह। और अच्छा
ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके पास क्या होता है, पोजीशन आउटसाइड, लेकिन आप इनसाइड करना चाहते हो तो फिर आप उस तरीके से लगाओगे। और हमने कौन से किए, ज्वेल, ठीक है, ये इनसाइड में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है लिस्ट शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इनसाइड और सर्कल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एज विद सेवरल ऑफ टू द अदर सीएसएस प्रॉपर्टीज, लाइक वो कह रहे हैं जिस तरह और भी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह आपके पास लिस्ट स्टाइल की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज आपके पास हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर्टी दैट एक्ट एज अ शॉर्ट हैंड फॉर लिस्ट स्टाइल, इट इज कॉल्ड लिस्ट स्टाइल एंड इट अलाउज यू टू एक्सप्रेस द मार्कर स्टाइल इमेज एंड पोजिशन प्रॉपर्टीज इन एनी ऑर्डर, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में, ठीक। इनसाइड रखना है उसका जो आपका ये लिस्ट स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी, वो ये है कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए ना हमारे पास ये वाले भी स्टाइल्स हैं जिसके अंदर डिस्क है, सर्कल है और स्क्वायर है, ठीक। तो मैं करता क्या हूँ कि इधर आता हूँ, ये अनऑर्डर लिस्ट है और लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क कर दिया मैंने, जब डिस्क कर दिया तो ये तो सेम रहेगा क्योंकि डिस्क डिफॉल्ट होता है। सर्कल कर दो, सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, या फिर अगर आपको चेक करना है कि इधर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है तो देख लो आप, डिस्क है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है जी, जोर से। कलर्स, कलर्स देखते हैं अभी आगे जाकर, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर, कलर तो देखते हैं आगे जाके, वरना हमको कलर ओवरऑल देना पड़ेगा। अच्छा, ये पोजीशंस हो गई, और शॉर्ट हैंड में क्या है, ये तीन चीजें हमारे पास क्या क्या है, मार्कर का स्टाइल, इमेज और पोजीशन, ठीक है। ये भी लगा लेता, इसको बंद किया मैंने, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर दे दिया, फिर हमने कहा इनसाइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, इमेज, अगर इमेज भी देना चाहते हैं तो इमेज भी दे सकते हैं, इस तरीके से ये नजर आएगी आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अच्छा वैसे तो कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें सीसेस के थ्रू करना पड़ेगा, फिर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? ये एल आई इसकी जो स्टाइलिंग है वो ख़त्म हो गई, यहाँ कोई कोई वो नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, कैसे भी दे दो वो पिक कर लेगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है। अच्छा, कोई कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बताओ लिस्ट स्टाइल की, आपसे पूछ रहा हूं। रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप करें, मर्जी है आप लोगों की। अच्छा, टेबल, टेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कह रहे यू हैव ऑलरेडी मेट सेवरल प्रॉपर्टीज विद दैट आर कॉमनली यूज विद टेबल्स, हेयर वी विल पुट देम टुगेदर इन अ सिंगल एग्जाम्पल यूजिंग द फॉलोइंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज आप पहले से देख चुके हो,
तो अब हम ये टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वाली है विद, फिर है पैडिंग, फिर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, टेक्स्ट अलाइन, बॉर्डर कलर और हवर, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब ये जो टेबल है ना इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इनके थ्रू। अब देखो सिंपल इसने क्या बनाया है, टेबल बनाया है, और बीच में इसने दो टीएच पे क्या लगा दी, क्लास, मनी की क्लास लगा दी, ठीक है। और फिर इसी तरह ये भी है और ये भी है, तो इसने क्लास लगाई है कुछ ना कुछ, इसने इस इनके लिए स्पेशल करना होगा, इन टेबल बॉक्सेस के लिए या टेबल कॉलम्स के लिए स्पेशल करना होगा, वो हम सीएसएस में जाके देखते हैं। अब जल्दी से कोई आ जाए यहाँ पे, सामने आएगा, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या काम हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है। टीम अपनी टीम के साथ आना चाहे टीम के साथ आ जाए, और अगर ऐसे ही आना है तो ऐसे ही आ जाए। जो कॉपी करके इसको कॉपी कर लिया हमने, नहीं किया, ये देखें सिंपल टेबल को उन्होंने कैसा बना दिया, ठीक है। इवन वाला मैं देख लेता हूं कि इवन में क्या किया उन्होंने, इवन में देखें क्लास लगाई हुई, ठीक है। अब ये वो बात की बात है कि हम देखेंगे। अच्छा ये देखो हवर भी हो रहा है, सिंपल उन्होंने क्या किया है सीएसएस के थ्रू, ये कितना जो है ना डिजाइन अच्छा बन गया है, ठीक है। इसमें ना कोई जावास्क्रिप्ट यूज हुई, कुछ भी यूज नहीं हुआ, सही। हवर के कितने काम है आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमें चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक और असाइनमेंट आ गया आप लोग का, ठीक है। फिर है हमारे पास बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स, टीडी टेबल वन और ये। अच्छा शो और हाइड का काम हो रहा है यहां पे, कैसे हम पढ़ लेते हैं पहले। इफ यू हैव एम्प्टी सेल्स इन अ टेबल देन यू कैन यूज द एम्प्टी सेल प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई वेदर और नॉट देयर बॉर्डर शुड बी शोन। सिंस ब्राउजर ट्रीट्स एम्प्टी सेल्स इन डिफरेंट वेज, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लिसिट शोज और हाइड बॉर्डर्स ऑन एन एम्प्टी सेल देन यू शुड यूज दिस प्रॉपर्टी। इट कैन टेक वन ऑफ द थ्री वैल्यूज, मतलब तीन वैल्यूज ले सकता है, शो, हाइड और इनहेरिट। तो अभी इस टेबल को बंद करना पड़ेगा हमें। और इसकी स्टाइलिंग को भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये टेबल है आपके पास और उस टेबल के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। एक टेबल है उसके अंदर दो टीआर हैं और उसके अंदर टीडी कितने हैं, दो इधर हैं और दो इधर हैं, लेकिन जो चौथा वाला है उसको क्या किया उन्होंने, एम्प्टी छोड़ा हुआ। अब हम देखते हैं कि ये व्यू कैसे आएगा और ये क्या प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड क्यों आ रहा है यार। ओहो ये जो है ना क्लास वन यूज हो रही है ना, ठीक है। अब आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, वन टू थ्री और फोर। अच्छा बॉर्डर दे देते हैं, चलेगा ये, ठीक है। इस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है। ठीक है इस तरीके से ये पैडिंग आ गए, वन टू और थ्री। अब यहाँ पे क्या कह रहा है बुक के अंदर, बुक के अंदर ये कह रहा है कि आप एम्प्टी सेल लगा के शो और हाइड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आपके पास एक ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये इस तरीके से शो हो रहा है, सही। और दूसरा है इस तरीके से, तो उसमें क्या किया हुआ है, उसने हाइड किया हुआ है टेबल वन और टेबल टू।
टेबल वन इसकी एक क्लास है राइट, तो हमने तो पहले से क्लास दी हुई है, हम उसको ही देख लेते हैं। हमने क्या क्लास दी हुई है, वन डैश टेबल, टेबल डॉट वन डैश टेबल, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा क्यों, शो लगाएगा, हाइड करेंगे तो क्या हाइड होगा जी, हो गया हाइट, ठीक है। बॉर्डर ओवरऑल लगा हुआ है, इस वजह से हमें इस तरह नजर, लेकिन ये हाइड हो गया। अगर कहीं आपको जरूरत पड़े ऐसी कि कोई एम्प्टी सेल है और वो आपने किसी और वजह के लिए रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट से आपको ना उसके अंदर कोई वैल्यू डलवानी हो, लेकिन पहले तो वो एम्प्टी होगा, जब जावास्क्रिप्ट पे क्लिक होगा या कुछ भी होगा तब नजर आएगा, तो आप वो कर सकते हो, सही है। और इनहेरिट का मतलब है कि ये पेरेंट से ले ले प्रॉपर्टी जो भी है। गैप्स बिटवीन सेल्स, तो गैप्स बिटवीन सेल्स मतलब कि जो सेल्स है ना इनके दरमियान में गैप दे सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी टेबल को यूज नहीं करते यार, इस टेबल को नहीं, लेकिन हम सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐसी रखेंगे ताकि आप लोग को कोई इशू ना हो। अच्छा पहले हमारे पास है सबसे पहले टीडी, टीडी को हमने क्या दे दिए, बॉर्डर्स, तो हम उठाते हैं टीडी और टीडी को बॉर्डर्स दे देते हैं, ठीक है। इधर से इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर दिया और क्या क्या दिया हमने, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और बॉर्डर, सिंपल ये इस तरीके से आ गया, सही। अब ये कह रहा है कि जो टेबल डॉट वन है ना उसको आप क्या कर दो, उसमें बॉर्डर की स्पेसिंग दे दो, बॉर्डर स्पेसिंग है, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफन लीव्स आ स्मॉल गैप बिटवीन ईच टेबल सेल, सो इफ यू, कह रहे डिफॉल्ट में ना आपको कुछ एक स्मॉल गैप दे देता है ब्राउजर, कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ इसने कि कितना देता है। सो इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल द गैप, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज यूजली स्पेसिफाइड इन पिक्सल, यू कैन स्पेसिफाई टू वैल्यूज इफ डिजायर्ड, टू स्पेसिफाई सेपरेट नंबर्स हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्पेसिंग के लिए हम दे सकते हैं दो वैल्यूज। व्हेन अ बॉर्डर हैज बीन यूज ऑन टेबल सेल्स वेयर टू सेल्स मीट, द विड्थ ऑफ लाइंस वुड बी ट्वाइस देन ऑफ द आउटसाइड एजेस, इट इज पॉसिबल टू कोलैप्स एडजेसेंट ब्राउजर्स टू प्रिवेंट बॉर्डर्स टू प्रिवेंट द यूजिंग, तो हम क्या करते हैं बॉर्डर कोलैप्स यूज करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बॉर्डर स्पेसिंग क्या है, बॉर्डर स्पेसिंग उठाएं, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज बढ़ा दी, जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा, सही है। जीरो कर देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है, बॉर्डर्स आर कोलैप्स इनटू सिंगल बॉर्डर्स, पीसीज उड़ जाएंगे यार, अच्छा यहाँ देखें बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर सेपरेट दो अलग अलग हुए हैं। अच्छा जब कोलैप्स हम करते हैं ना, अच्छा देखें जब कोलैप्स करते हैं तो हमारे पास जो टेबल है ना वो इस तरीके से आता है, ठीक है। हर किसी के अपने बॉर्डर है, जब सॉरी सेपरेट करते हैं
तो हर सेल का अपना बॉर्डर आता है और एक ओवरऑल बॉर्डर आता है जो कि टेबल का बॉर्डर होता है। सही, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोग को, शेयर हो गई वहाँ, वहाँ अपने पास शेयर हुई है। और जो दूसरा कोलैप्स है ना, वो क्या करता है, वो मिक्स कर देता है सारा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोलैप्स करना है तो इस तरीके से होगा, और आपको वो करना है तो इस तरीके से। ठीक है, सेपरेट में देख लो ये किस तरीके से आ रहा है, हर टीडी का और ऊपर जो ओवरऑल है उसका। सही, ये मैं आपको लिंक यहां लगा देता हूं। सही है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, प्रैक्टिस कर लें फिर।